जैसे कि अभी अभी जो न्यूज़ हुई है सर्कुलेट इस पे सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल भी उसको चला रहे हैं कि टेंगपुरा में एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया, मगर ये टेंगपुरा नहीं है, ये मुस्लिम आबाद है। जैसे ये न्यूज़ हमारे घरों में पहुंची, हम सारे लोग टेंगपुर अपने घरों से बाहर आए, इस न्यूज़ के बारे में टटोलने लगे। जैसे हमें पता चला कि हम एक दूसरे से पूछ कर यहाँ से वहाँ तक पहुँचे तो ये मुस्लिम आबाद है, ये टेंगपुरा नहीं है। तो हमारा मुतालबा यही है कि ये सेक्स रैकेट जो पकड़ा गया है ये मुस्लिम आबाद में पकड़ा गया है, टेंगपुरा में। हमारी भी बेटियां हैं, हमारे भी बहनें हैं, हमें भी कल शादी करनी है वहाँ उनकी, तो हमें भी बाहर निकलना है। हम उनको से मुतालबा करते हैं मेहरबानी करके ये जो नाम हमारे मोहल्ले का आया है इसको हटा के मुस्लिम आबाद। वहाँ के लोग भी सारे ऐसे नहीं हैं, वहाँ भी जी इज़्ज़त लोग रहते हैं। हमने उनसे बात की, उनसे कांटेक्ट किया, तो उनको बेचारों ने बोला कि हमें इसका कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बाहर से, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी ली है, वो बाहर से वो आए हैं, वो एक कॉलोनी है वहाँ पे एक्चुअली। तो उन्होंने वो उसका जो मकान मालिक जो है उसका नाम है एजाज अहमद, वो नवा बाज़ार का है, वो सऊदी में रहता है। तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, मुझे इसका पता नहीं है कि उन्होंने डेलिबरेटली इसको दिया है, उसको पता है इस चीज़ का या नहीं पता है, वो हमें पता नहीं है। कि हम उसको भी ये कन्वे करना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी वो इलीगली यूज़ हो रही है उसकी, तो उसको भी हम बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आ जाएं और अपनी इस प्रॉपर्टी को देखें। बाकी हमारा मुतालबा यही है कि ये जो काम हुआ है, ये जो पुलिस ने काम किया है वो अप्रिशिएबल है, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया है, मगर ये जो नाम आया है टेंगपुरा का इसको हटा के जहाँ पे ये हुआ है उसी का नाम दे दीजिए, बाकी बस।